नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीस्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में डिटेल में यहाँ से जानेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन तो उठा ही लिया जाता है, इसलिए यहाँ से हम लोग डिटेल में आज गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहली बात आती है कि गौतम बुद्ध जो थे वो किसके संस्थापक थे, यानी किस धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो हैं गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म जो था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगली बात आती है दोस्तों कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि बुद्ध जी के जन्म के सातवें दिन ही इनका देहांत हो गया था। अगली बात आती है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध थे इनके पिताजी का क्या नाम था, तो उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो थे उनका लालन पालन किसने किया था, तो उनका लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। चलिए अगली बात देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, कितनी वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, वो किससे हुआ था, तो यशोधरा से हुआ था। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। उनके पुत्र का नाम क्या था, तो उनके पुत्र का नाम दोस्तों था राहुल, क्या था, राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, क्या किया था, गृह त्याग। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, क्या कहते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। अगला पॉइंट आता है कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु दोस्तों थे वो अलार कलाम थे, कौन थे, अलार कलाम थे। अगला पॉइंट आता है बुद्ध किस क्षत्रिय कुल का था, बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे। जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि जो बुद्ध के पिता थे वो शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे, तो ये शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, क्या था, सिद्धार्थ था। दोस्तों देखिए, अगर चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर दोबारा यही आ गया है, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज आ गया है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तब उन्हें चार दृश्य काफ़ी प्रभावित किए थे, वो कौन कौन से दृश्य थे, तो एक बीमार व्यक्ति। देखिए ऑप्शन में आपको चार पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा दृश्य सिद्धार्थ जी को या बुद्ध जी को प्रभावित नहीं किया था। यहाँ पर पहला पॉइंट है बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, फिर सन्यासी को देखते हैं, और फिर एक लास्ट में शव को देखते हैं। अगला पॉइंट आता है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे कहाँ पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने वर्ष परिश्रम इन्होंने किया था, कठिन तपस्या किया था, 6 वर्ष तपस्या इन्होंने किया था। अगली पॉइंट आती है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो किस नाम से जाने जाने लगे, तो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। किस नाम से, बुद्ध के नाम से। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से जाना गया। और जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की वो स्थान कौन सा है, तो वो स्थान दोस्तों है बोध गया, कौन सा स्थान है, बोध गया है, वो स्थान बोध गया। अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी में है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया था, तो धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था, क्या कहलाया था, धर्म चक्र
प्रवर्तन पहला उपदेश जो था वो कहलाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश अपने दिए थे बुद्ध जी ने। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी कि इनका देहांत हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। अगला पॉइंट आता है, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। अगला को पॉइंट देखते हैं, देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्थान क्या है? राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कब? 483 ईसा पूर्व में होती है। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप उपाली इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में होती है? शासनकाल जो था दोस्तों अजात शत्रु का था। किसका था? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पर? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो दोस्तों होती है वो होती है 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में होती है। अध्यक्ष कौन थे? सवा कामी थे। और किसके शासनकाल में होती है? तो कालाशोक के शासनकाल में होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ये इम्पॉर्टेंट, कालाशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति होती है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। और किस स्थान पर होती है? वैशाली में होती है। चलिए अगला पॉइंट आता है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी पाटलिपुत्र में। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस थे। और शासनकाल किसका था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, शासनकाल और स्थान सभी का। अगला पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति से बनते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थे वो किस स्थान पर हुए थे? कुंडलवन में हुए थे। कहाँ पर? कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बसुमित्र थे। अश्वघोष इसके चतुर्थ जो थे अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है पहली शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि दो भागों में बौद्ध धर्म जो था वो बट गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। किस किस भाग में बटा? तो एक हीनयान बौद्ध धर्म बना और एक महायान बौद्ध धर्म बना। कौन सा? हीनयान और महायान दो बौद्ध धर्म में बट गया बौद्ध धर्म। अगला पॉइंट है, बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया। बुद्ध क्वेश्चन आ चुका है ये भी कि बुद्ध के किस मार्ग को उत्तम बताया गया, निम्न मार्ग को, उच्च मार्ग को या मध्यम मार्ग को? तो बुद्ध के मध्यम मार्ग को उत्तम बताया गया है। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? कहाँ पर? यानी कि धर्मपाल में है। कहाँ पर? धर्मपाल। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है। कहाँ पर? सांची में है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। अगला पॉइंट आता है, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ पिटक क्या है? पिटक। पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है दोस्तों। इन पिटक की रचना पाली भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? पिटक की रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई। बौद्ध की जो पवित्र ग्रंथ है इम्पॉर्टेंट है, इसको अवश्य याद रखेंगे। बौद्ध पवित्र ग्रंथ क्या है? पिटक है। पिटक की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई है। कितने पिटक है? 3 पिटक है, जिनको त्रिपिटक नाम से भी जाना जाता है। किस पिटक से? त्रिपिटक। त्रिपिटक नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। बौद्ध के 3 पिटक हैं। पहला कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर देखिए, सूत पिटक, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है।
जो दूसरा है विनय पिटक, इसमें गौतम बुद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है। क्या है? गौतम बुद्ध के जो भिक्षु थे टाइम पर, उस टाइम पर उनके आचरण के नियम हैं। और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थ हैं बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के जन्म को क्या कहते हैं? कमल, कमल का प्रतीक या सांड जो है, जो सांड है या कमल है, ये बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। अगला है घोड़ा जो है वो बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल है। पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये प्रतीक सारे हैं। और तीसरा है, चौथा है पदचिन्ह जो हैं वो किसके प्रतीक है? निर्वाण के प्रतीक है। और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। चलिए अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। पुनर्जन्म की मान्यता थी, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पुनर्जन्म की मान्यता थी या नहीं थी बौद्ध धर्म में, तो पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्यौहार क्या थी? बैसाखी, बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, तीनों चीज़ें इसी दिन हुई थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ दोस्तों ज्ञान होता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। ये पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, तीन चार ऑप्शन दे देंगे, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देंगे, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध सही हो जाएंगे, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज बुद्ध, गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी बातें, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएँ आप सभी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।